काफी दिनों से राजनीति की मुख्य धारा से गायब हुए प्रोफेसर डॉक्टर रंजन यादव ने आज आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार को 15 वर्ष लालटेन की सरकार ने ठगा तो 15 वर्ष तीर ने बर्बाद कर दिया कि पिछले 15 वर्ष नीतीश जी की सरकार अब 20 साल 20 महीना लालू जी की सरकार में क्या स्थिति रही। पूर्व राज्यसभा सदस्य व जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंजन यादव ने कहा कि 1990 के बाद से 2005 तक बिहार को गर्त में लालू राबड़ी की सरकार ने भेज दी। 15 वर्षों में कोई बीपीएससी की परीक्षा नहीं हुई। एक जमाना था कि देश के लोग बिहार का मतलब जंगल राज समझते थे। 15 वर्षों में जो सरकार लालटेन की थी 5 लाख पद रिक्त थे लेकिन बीपीएससी की परीक्षा जो 15 साल में 5 बार होना चाहिए था नहीं होता और जिसके कारण लाखों नौजवानों की संख्या मतलब उम्र जो है सो समाप्त हो गई। जिनका उम्र 15 साल था अगर 25 साल था और 15 वर्षों तक नियुक्तियां नहीं हुई तो उनका उम्र हो गया 40, जिसका 30 था 45 और जिसका 35 था वो 50। तो रिजर्वेशन की चर्चा वो कर रहे हैं आजकल लालटेन वाले और नियुक्तियां की, तो हालात ये रही। उसके बाद विधि व्यवस्था का जो सवाल था एवरीबडी नो, सभी लोग आप जानते हैं कि माँ बहने बाजार नहीं निकलती थी और पूरे देश में इसकी चर्चा थी कि भाई बिहार मतलब जंगल राज। वहीं 15 साल की नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। कभी पटना विश्वविद्यालय में 1600 शिक्षक हुआ करते थे, आज 200 भी नहीं बचे। विधि व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। लेकिन विधि व्यवस्था की स्थिति भी जो 15 वर्ष लाल तीर छाप की सरकार रही उसकी रही वो भी एवरीबडी नो, सभी लोग जानते हैं। आप आइए शिक्षा एजुकेशन पूरे बिहार में, चूंकि मैं तो साइंस कॉलेज में प्रोफेसर रहा 71 से, उस समय शिक्षकों की संख्या लगभग 1600 थी, आज 200 भी नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी बिहार में पूरे 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और काबिल व्यक्तियों को ही टिकट दिया जाएगा। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, जो 29 नवंबर से पहले सरकार बनेगी, हमारा पार्टी का पहला दायित्व है कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर और जिनका विधि व्यवस्था में या अन्य कार्यों में भी जिनका अच्छा चरित्र रहा वैसे लोगों को ही हम लोग अपना उम्मीदवार बनाएंगे और 30 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ है उन कार्यों को करने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर आपको दिया गया? आपको तो बताया गया 150 सीटों पे। रंजन यादव इस चुनावी समर में जो कुछ भी बोले उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वह दोनों पार्टियों के सहारे विधायक और सांसद बन चुके हैं। यदि यही मुद्दा उठाना था तो 2015 के बाद से ही संघर्ष शुरू करते तो बेहतर होता। जिस मुद्दे को आज जनता के बीच ले जाना चाहते हैं उसे जनता शायद अब तक समझ गई होगी, क्योंकि अब कुछ दिनों में उन्हें निर्णय लेनी है। पटना से लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।